दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर अब टारगेट है। लोगों से इलाका छोड़ने के लिए कह दिया गया है। हमास कमांडर के छिपे होने की यहां पर आशंका है, लेकिन बड़ा सवाल कि उत्तर से दक्षिण तो चले गए बड़ी संख्या में गाजा के लोग, लेकिन अब यहां से जाएं तो कहां जाएं अगर इजरायली सेना यहां पर हमला करती है। और चलिए अब आपको दक्षिणी गाजा की जो बारी है, जिसका ऐलान कर दिया गया है कैसे बड़े हमले की तैयारी है, इसको लेकर एक एक जानकारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दक्षिणी गाजा में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, इस बात को लेकर अवॉर्न कर दिया गया है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसराइल ने लोगों से खान यूनिस इलाका तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। लोगों को आगाह करने के लिए इलाके में पर्चे तक गिराए गए, हमने देखा था। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। कि इसी तरह से पर्चे हमले से पहले उत्तरी गाजा में गिराए गए थे। दक्षिणी गाजा में हमास के तीन कमांडरों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। याहिया सिनवार जो कि हमास का गाजा में प्रमुख है, इसके अलावा मोहम्मद दाफ के छिपे होने का इनपुट मिला है। उत्तर गाजा के बाद आईडीएफ के निशाने पर दक्षिणी गाजा भी आ गया है। अभी तक लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा जा रहा था। इजरायली फोर्स अब दक्षिण में भी बड़ा हवाई हमला कर सकती है, जो जानकारी सामने आ रही। ये इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी गाजा पट्टी के अंदर आईडीएफ के साथ ऑपरेशन में दिशा निर्देश के साथ जमीनी कार्रवाई में बराबर जुटे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने आईडीएफ का हौसला बढ़ाया है। हम गाजा पट्टी के उत्तर में सैन्य प्रणाली को नष्ट करने के करीब हैं। हम पूरी जी जान से लगे हैं। हम अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मोर्चे पर डटे हैं। उन्होंने अल शिफा, इंडोनेशियन, रंतिशी समेत कई अस्पतालों में जमीनी ऑपरेशन को कामयाब बताया और कहा कि वो इस ऑपरेशन के अगले चरण की शुरुआत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने अस्पताल के अंदर के नतीजों पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। गैलेंट 36वें डिवीजन के कमांड सेंटर के दौरे पर थे। इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल तोमर बार ने कसम खाई है कि इजरायल हमास के हर लड़ाकों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें खत्म करके ही दम लेगा। 7 अक्टूबर को जब से हमने अपनी ड्यूटी शुरू की है, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। वायुसेना लगातार काम कर रही है। हम हमास को जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमने हमास के हजारों लड़ाकों को मारा है, उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। तो गाजा के अल शिफा अस्पताल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इजरायल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और अब उसने इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया को दिखाया है। इसराइल ने बताया है कि कैसे गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल हमास के हथियारों का डिपो बना हुआ था, जहां पर उसने बड़ी तादाद में हथियारों को जमा किया हुआ है। इसके अलावा इसराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत को पेश किया और दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियारों को छिपा कर रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर एमआरआई मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड को छिपा कर रखा हुआ था, इस बात का भी दावा। और इसके अलावा इसराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है, जहां पर बैठकर इसराइल पर हमले की रणनीति को बनाया गया था।